गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सो जो जो बच्चों 10th और 12th देने वाला है, WBCS बोर्ड से भी हो सकता है, ICSE बोर्ड से भी हो सकता है, CBSE बोर्ड से भी हो सकते हैं, उन लोगों का जो कॉपी चेक होगा उसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। okay. क्योंकि आप मान लीजिए, अगर कॉपी चेक करने वाला सर को अगर बोला जाए उसका घर से, और उनका बीबी अगर उसको बोले कि अब बर्तन माज के जाना, अब घर पोच के जाना, उसका तो मूड ऐसे ही खराब रहेगा। सही पकड़े हैं। आपका बेटा और बेटी का चेक करेगा कैसे? वो तो ऐसे ही नंबर कम देगा। आपका बेटा एक अच्छा से, बहुत अच्छा से सजा के एक नोटिस लिखा है या रिपोर्ट लिखा है, तो उसमें 10 नंबर है, उसमें तो वो 2 दे के जाएगा, क्योंकि उसका तो मूड अच्छा से खराब है। तो आप लोग गौर से सुनिए चीज के ऊपर, और बोर्ड मेंबर्स को आप लोग बोलिए कि मैरिटियल स्टेटस चेक करके ही सर को असाइन किया जाए। बहुत ज्यादा ज्ञान चौधरी हो गया, अभी अपना वीडियो में फोकस करते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बोर्ड मेंबर्स को और आप सब गार्जियंस को, प्लीज इस चीज में ध्यान दीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सिर्फ बच्चों का मेरिट के वजह से नंबर खराब नहीं मिलता है, सर का वजह से भी नंबर खराब मिल सकता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप तो पूरा बात आपके पास रख दिया, आपका डिसीजन आपके पास है। जो जो बच्चों का मार्क्स उसी सर लोगों के वजह से खराब आया है, मान लीजिए खराब आ गया है, उन लोगों को बच्चे के ऊपर ज्यादा आप लोग फोर्स मत कीजिए कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्योंकि अभी तो आपको हालत पता ही है। जो लोग इंजीनियरिंग करके रखा है, जो लोग MBA करके रखा है, वो लोग चाय दुकान, MBA चाय दुकान, BTech चाय दुकान, ये सब करके रखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो जो करना चाहता है, जो बंदा जो ही करना चाहता है, उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करके कितने लोग पैसा कमाया, जो जो पैसा कमाया वो बिना पढ़ाई के किया, ठीक है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आपका बेटा अगर YouTube करना चाहता है, ठीक है, उसको YouTube करने दीजिए, कोई गाना गाना चाहता है उसको गाना गाने दीजिए, कोई डांसर बनना चाहता है उसको डांसर बनने दीजिए, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है किसी को दीजिए, अगर वो बीड़ी बनाना चाहता है उसको बीड़ी भी बनाना दीजिए, अगर सिगरेट का दुकान खोलना चाहता है सिगरेट का दुकान भी खोलने दीजिए, अगर वो बोलता है कि मैं आपका घर का नीचे कटोरी लेके बैठूंगा तो उसको वो भी करने दीजिए, क्योंकि आजकल वो जो कटोरी लेके बैठते हैं उन लोगों का भी महीना भर 1,00,000 रुपया का इनकम होता है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो आपका डिसीजन, आपका बच्चा, आपका सब कुछ आपका ही ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। तो आप लोग फोर्स मत कीजिए, वो जो करना चाहता है उसी को वो करने दीजिए, क्योंकि मैं भी एक मैथ टीचर हूँ, अभी बर्तन करके आया, सो मेरा भी मूड आप देख ही सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये अगर कॉपी मेरे पास भी आएगा मैं भी नंबर कम ही दूंगा। तो इसीलिए आपका डिसीजन आपके पास है, और बच्चे लोग जो करना चाहता है उसी को वही करने दीजिए, नहीं तो आप ही का ऊपर हावी होके वो आपका सर का ऊपर नाचेगा। सो मुझे पता है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो हंसेगा टू फंसेगा को सब्सक्राइब करने नहीं भूलेगा, और लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सब बच्चों और गार्जियंस को आप लोग सतर्क कीजिए, जागो ग्राहक जागो।